हेलो, आप सभी व्यूअर्स का वीके दीक्षित का हार्दिक नमस्कार। और मैं आज के वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पेश करने जा रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और उस प्रैक्टिकल का नाम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो आपके कोर एक्सपेरिमेंट में जो मेजर एक्सपेरिमेंट कैटेगरी है, उसमें दो एक्सपेरिमेंट्स अलाटेड हैं जो 30% रिड्यूस सिलेबस के बाद भी आपके सामने दो ऑप्शंस है, स्लेवरी माइलेज एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन द एक्शन ऑफ एंजाइम स्लेवरी माइलेज, और दूसरा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इन दोनों में से एक आपको एग्जाम में मस्ट है पूछा जाएगा। इस वीडियो में हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए को लिया है, और इस आइसोलेशन से रिलेटेड जो खास बातें हैं वो ये है कि इसमें जो यूज जो केमिकल्स या जो भी यूज होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हाईलाइट किया गया है। और साथ में एक वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने पेश किया गया है, कैसे हम डीएनए से ओनियन से डीएनए एक्सट्रैक्ट करें और ओनियन ही क्यों सेलेक्ट करें, इसके बारे में से दे सकते हैं। ओनियन से डीएनए को कैसे हाईलाइट करें, इसका एक वीडियो है। तो सी द वीडियो एंड देन आई विल डील द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट सॉरी न्यूक्लियस से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हमको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सेल वॉल को डिस्टर्ब करना होगा, देन सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना होगा, देन न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगी उसको डिस्टर्ब करना होगा, फिर जो है न्यूक्लियस हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमने देखिए आपके सामने ये मटेरियल ओनियन है जिसको पहले हमने स्लाइस किया। स्लाइस करने के बाद से ओनियन एक ओनियन को लिया और उस ओनियन को थोड़ा सा ओनियन को जो है मैंने मिक्स किया, उसको ग्राइंड कर दिया। आप पेस्टर मोर्टार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, हमने इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड किया हुआ है। तो एक तो हमें मटेरियल चाहिए जो ओनियन, उसके बाद से जो हमें केमिकल्स चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिक्विड डिटर्जेंट है, ये लिक्विड डिटर्जेंट जिसके अंदर लाइपेज पाया जाता है। तो यूनोसेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं, तो ये लिपिड को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद से हमें ये सोडियम सॉल्ट चाहिए, सोडियम सॉल्ट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड का सलूशन जो है हम बना लेते हैं, इसके अंदर ये 1% सोडियम क्लोराइड सलूशन जो है यहाँ पर, ये आपके सामने ये बीकर है जिसके अंदर यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो इसमें 100 ml का एक निशान बना हुआ है। 100 ml के निशान, इसमें हम 1 ग्राम जो है सोडियम डाल देंगे, यानी हमने इसके अंदर एक सोडियम जो है वो डाल दिया, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट जो कॉमन साल्ट अवेलेबल होता है इसको हमने डिजॉल्व कर लिया। ये थोड़ा बहुत जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हमने ये जो लिक्विड सोप है जो कि हमारे जिसके अंदर लाइपेज एंजाइम है, इसको हमने एक बाउल के अंदर यहाँ पे लिया हुआ है। यू कैन सी यहाँ पर हमने ये लिक्विड लिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर जो है लिक्विड के अंदर हम लेंस सॉल्यूशन, ये प्रोटीनेज होता है लेबोरेटरीज के अंदर, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है। यू कैन सी इसका नाम है, यह है लेंसर यानी लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशन, इसके अंदर प्रोटीन होता है। तो हम इसमें जो है फ्यूल कुछ जो है 5 ml इसके अंदर जो है क्या करेंगे, प्रोटीनेट भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये यू नो कि प्रोटीन को एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है या जो न्यूक्लियो प्रोटीन में जो प्रोटीन होता है उसको ये अब हमारे ये लिक्विड बन गया। अच्छा, यहाँ पर ये हमें सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो बना लिया, ठीक है। इन सबको जो है मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद से यू कैन सी इसको हम अच्छी तरीके से इसको हिलाते हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो सॉल्यूशंस है, जब ये फिर इसके अंदर जो है ओनियन जो भी है, जो हमारे पास जो ओनियन पड़ा हुआ है, ओनियन हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये ओनियन इसके अंदर हमने डाल दिया, फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, ये मिक्स करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सेल होगा सेल का डिस्ट्रप्शन होगा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस
जो है वो ब्रेक्स हो गए और इसके अंदर आप देखोगे कि डीएनए जो है वो अलग हो जाएगा। अब इसको हम थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं। Few moments later. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसमें हमने रिएजेंट और ओनियन पील, जो ग्राइंडेड ओनियन पील है, उसको हमने मिक्स कर दिया और इसको थोड़ा सा वार्म किया। वार्म करने के बाद मैं इसको कूल करने के बाद इसको मैं अब धीरे धीरे आपके सामने ये फिल्टर कर रहा हूँ। इसको ये फिल्टर कर रहा हूँ, ये देखिए फिल्ट्रेट जो है नीचे ये ओनियन पील को फिल्टर कर दिया, तो ये हमारा फिल्ट्रेट हो गया। अब इसके बाद से ये जो हमारा जो लिक्विड है ये इसके अंदर ओनियन ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम एक जो है ये पेट्री डिश के अंदर इसको ले लेंगे और पेट्री डिश के अंदर लेने के बाद इसको हम कूल करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है आइस है और ये आइस इसको हम चिल करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा देर के लिए, और चिल करने के बाद इसके अंदर से थोड़ा कट कर दो। अब देखिए ये चिल्ड अल्कोहल है, इथेनॉल है, और इथेनॉल को हमने एक उसमें थोड़ा सा ले लिया। अब क्या करेंगे हम इस चिल्ड अल्कोहल को, ये काफ़ी कूल है, चिल्ड है, इसको अभी अभी मैं फ्रीजर से लेके आया हूँ। तो अब इसको आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है हमने ड्रॉप बाई ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे, ड्रॉप बाई ड्रॉप धीरे 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 इसको इसके अंदर डालेंगे। ये चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद इसको हमने फिर उसी आइस जो बाउल, आइस बाउल के नीचे आइस रखा हुआ है, आइस कोल्ड वाटर में इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ऐसे। फ्रेंड्स अब ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है आपको डीएनए अलग सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये इनको हम एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो अगर हम मूव करा रहे हैं ना तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो इसके अंदर आपको फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम एम लिखते हैं किसी प्रैक्टिकल का, एम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एम में क्या लिखेंगे, टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम प्लांट मटेरियल। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट मटेरियल के रूप में हम बनाना, स्ट्रॉबेरी, ओनियन या स्पिनेच या और भी प्लांट्स हम ले सकते हैं। प्रश्न उठता है कि ओनियन या बनाना या स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है। तो ओनियन के बारे में आपको बता दें कि ओनियन के अंदर स्टार्च बहुत कम होता है एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ स्टार्च जो डीएनए का जो एक्सट्रैक्शन है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि स्टार्च के प्रेजेंस होने से डीएनए का एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ओनियन इसलिए प्रीफर किया जाता है। और स्ट्रॉबेरी और बनाना में भी इसी तरह के अपने अपने रीजन्स हैं। बनाना में जब सेल को हम रप्चर करते हैं, बनाना जो पील को जब हम मिक्स ग्राइंड करते हैं तो वो सेल जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं, सेल्स जो है वो बहुत इजीली उनसे जो है न्यूक्लियस बाहर आ जाता है। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, ओनियन है, चिल्ड इथेनॉल है। चिल्ड इथेनॉल क्यों यूज करते हैं, चिल्ड इथेनॉल के यूज करने का पीछे पर्पज़ यह है कि ये प्रेसिपिटेट कर देता है डीएनए को। डीएनए निगेटिवली चार्ज मालिक्यूल है, फास्फेट जो निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है वो इथेनॉल से इथेनॉल के अंदर उस इथेनॉल उसको इस वजह से प्रेसिपिटेट कर देता है। उसको वाटर बाथ के अंदर हम जो मटेरियल है उसको कूल करते हैं और स्टॉप वाइज यानी टाइम देखते हैं कितने टाइम में हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो रहा है। रेफ्रिजरेटर में हम अल्कोहल को चिल करते हैं। NaCl दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। तो NaCl क्या करता है कि यह सेल वॉल और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज कर देता है, इनको डिस्ट्रॉय करता है, मतलब ताकि ये जो है डीएनए जो है बाहर आ सके। लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है और प्रोटीनेज एंजाइम के रूप में लेंस सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है। यूनो की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो उन प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है।
अगर इसके आगे हम देखें, थियरी है, थियरी बेस्ड इम्पॉर्टेंट है, यू नो डीएनए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन थ्रेड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को कैसे अलग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है क्रोमेटिन थ्रेड जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, इसके अलावा जो है डीएनए को आइसोलेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन्स होते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सबको हमको हाइड्रोलाइज करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है तो आपको पहले ही बताया कोनियन से इसलिए आसानी से निकल जाता है क्योंकि उसके अंदर स्टार्च एब्सेंट होता है एंड दैट एब्सेंस ऑफ स्टार्च मेक इट इजी टू एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए इज अकम्प्लिश्ड विथ रैप्चरिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को रैप्चर करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रैप्चर करेंगे एंड देन इथेनॉल के अंदर उसका प्रेसिपिटेशन कराएंगे। उसके बाद से जो है प्रोसीजर है, प्रोसीजर में देखिए आपको वीडियो में डिटेल में प्रोसीजर आपको बताया जा चुका है, अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन ऐसे कॉपी में लिखना नहीं होता बट यू हैव टू नो, आपको जानना चाहिए क्योंकि कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, अगर जानेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे, तो ये डिटेल में यहाँ पर प्रोसीजर भी जो है आपके सामने दिया हुआ है कि पहले ग्राइंडेड जो अगर समरी के रूप में देखें तो ग्राइंडेड जो ओनियन पील होता है उसको ले लेते हैं, उसमें NaCl मिलाते हैं, फिर डिटर्जेंट उसके अंदर ऐड करते हैं, फिर थोड़ी देर उसको खूब अच्छी तरह से हिलाने के बाद मिक्स करने के बाद उसको हीट करते हैं बिलो 50 डिग्री सेल्सियस, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको कूल करते हैं, कूल करने के बाद प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, निछान लेते हैं, सॉरी फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड बचता है उस लिक्विड में हम चिल्ड इथेनॉल हल्का 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 धीरे 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 उसमें डालते हैं और फिर उसको हम वाटर बाथ में आइस कोल्ड वाटर में यानी आइस बाउल में बाउल के अंदर आइस रख करके उसको हम कूल करते हैं तो धीरे धीरे डीएनए सेपरेट होना शुरू होता है और फिर आपके सामने पेट्रिडिस हो चाहे जो भी आप यूज ऑपरेटर्स जिसके अंदर आप डीएनए को आइसोलेट कराते हैं वो आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हमने केवल ये शो करने की कोशिश की है कि डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, हम अमाउंट अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो केमिकल्स की आपको जो मात्रा होती है सब कुछ जो है वो प्रॉपर अमाउंट में लेना होगा। ऑब्जर्वेशन इसके बाद से ऑब्जर्वेशन के बाद देखेंगे प्रिकॉशन, तो एवरी एग्जाम एक्सपेरिमेंट शुड नीड सम प्रिकॉशंस जैसे ऑलवेज यूज फ्रेश मटेरियल, उसका केयरफुली इसको वर्क करें, हीट करें, कूल करें, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को कंडक्ट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए आइसोलेशन, थैंक यू, होप यू विल एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।